देखिए, पहली बात, पति पत्नी के बीच में इस तरह के मामले में किसी को बीच में नहीं पड़ना चाहिए जब तक उसको आमंत्रित ना किया जाए। अगर मुझे आमंत्रित किया जाएगा, अगर मुझे इस काबिल समझा जाएगा, तो मैं ज़रूर अपने तरफ से अच्छी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात करूँगा। मैं नहीं चाहूँगा किसी के फैमिली में ऐसा कोई पहाड़ टूटे जैसा आपने कहा, और मैं चाहूँगा कि इसका बहुत प्यार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन मामलों को सुलझा दिया जाए। बहरहाल, इसके ऊपर किसी किस्म का पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए। ये बिल्कुल परिवार के अंदर का, हमारे सदस्यों का, परिवार के सदस्यों का अंदरूनी मामला है। बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन तब तक हम सिर्फ दुआओं के साथ साथ हम देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी को तलाक की अर्जी कोर्ट में दायर की है, अब क्या करेंगे? देखिए, मामला ये एक्चुअली पारिवारिक मामला है। अगर ऐसा किसी भी परिवार के साथ होता है तो जो लोग उस परिवार के सदस्य नहीं होते हैं या दूर से जो देखते हैं, जाहिर है कि उनको इस मामले की कोई पसंद तो नहीं करेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा किसी को भी। कोई, हर कोई चाहता है कि किसी की शादी जो है वो भी हाल फिलहाल में हुई हो तो बरकरार रहे। हमारे अंतरंग यानी लालू परिवार हमारे फैमिली फ्रेंड है, मैं उन लोगों को बहुत मानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तेजस्वी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस तेज प्रताप को भी बहुत ख्याल रखता हूँ, उसका भी बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरी नज़रों में तेज प्रताप भी बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत पारिवारिक संस्कारिक लड़का है, अच्छा है। अब क्या कारण हुआ है, ये कहाँ तक ये बात पहुँची है और क्यों पहुँची है, इन बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे भी कहा जाता है कि किसी के घर के मामले में, परिवार के मामले में, पति पत्नी के मामले में ऐसी कोई बात हो तो इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बस सिर्फ दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए।